हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी गंदी सी शक्ल को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि अभी मैंने पार्लर की सर्विसेज बुक की है। बहुत टैनिंग हो गई है और आप देख सकते हैं, अभी लास्ट में मैंने स्पा लिया था और थ्रेड वर्क वगैरह टी टैन कराया था, बट उससे थ्रेड वर्क किसी किसी का हाथ बहुत हार्ड चलता है तो थोड़ा सा कट लग जाता। मुझे भी ऐसा खुजली सी हो रही थी, यहाँ इचिंग हो रही थी, तो मैंने और उसको कर दिया नेल से, तो थोड़ा सा अजीब सा हो गया फेस और टैनिंग बहुत हो गई। तो कल मेरा है बर्थडे, तो इसलिए मैंने कहा अच्छा सा फेसियल और सारा कुछ ले लेती हूँ, थोड़ी सी घिसाई कर लेती हूँ। तो मैंने बुक किया प्रीमियम फेसियल और थ्रेड वर्क वैक्सिंग वगैरह। तो कॉल आ गया था गेट से, अभी वो आ चुकी हैं, मेरी ब्यूटीशियन आने वाली हैं। हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, मैं कल के लिए करने वाली थी, मुझे भी ऑफिस जाना है, बट आज थोड़ा सा लेट जाऊँ क्योंकि कल के लिए कर रही थी, तो हस्बैंड ने मना कर दिया, बोले कल मैं रहूँगा तो 3-4 घंटे का तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा कि आज मॉर्निंग में ले लो, कल कहीं घूमने जाना होगा या कहीं भी जाना होगा। तो हमारा भी कल का कुछ प्लान है, मॉर्निंग में ऑफिस जाके वहीं से निकलेंगे, फिर शाम को सारे लोग जो भी गेस्ट वगैरह हैं, ज़्यादा गेस्ट नहीं हैं क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा, कोविड का, तो ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया, बस 2-4 लोगों को इन्वाइट किया है। और फैमिली है, मेरी सिस्टर है और उसकी फैमिली है। तो अभी मैं फेसियल लूँगी और पार्लर की सर्विसेज लूँगी, उसके बाद मैं तैयार होकर फटाफट से ऑफिस के लिए निकलूँगी। और यस मैडम का पहले भी मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत ही कमाल का, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग सब कुछ। तो वैक्सिंग का मैं हमेशा जब भी सदर मार्केट या कहीं जाती हूँ होलसेल मार्केट, तो मैं वैक्स वगैरह रीका और हनी चॉकलेट जो भी लेना होता है वो लेके रखती हूँ, तो उसका कॉस्ट जो होता है वो डिडक्ट हो जाता है। अदरवाइज़ अगर वो खुद से देते हैं तो भी जो रेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आपको हैंडओवर कर देते हैं, तो ये इनकी सबसे बेस्ट बात है। और सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं, मुझे तो बहुत पसंद आती हैं। फेसियल इससे पहले मैं नॉर्मल लेती थी जिसका कुछ इफेक्ट मुझे लगता नहीं था, इसलिए मैं डी टैन वगैरह करा के क्लीनअप करा के छोड़ देती थी, बट बर्थडे है तो थोड़ा सा मैंने कहा कर लेते हैं। सिस्टर ने सजेस्ट किया कि ये वाला आप लो, तो इसलिए मैं वही वाला ले रही हूँ। अभी मैं उसका सेपरेट वीडियो भी शेयर करूँगी, क्योंकि पार्लर की सर्विसेज में अगर ऑनलाइन ऑफलाइन आप देखेंगे तो बहुत डिफरेंस। मैं सोच रही थी ऑफलाइन लूँ, बट मैंने कॉस्ट कंपैरिजन किया तो जितना वैक्सिंग का होता है उतना मेरे पूरे पैकेज का हो जाता, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा लेट चलते हैं, यस मैडम का ही करते हैं, और कन्वीनियंट होता अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने घर पर अपने प्लेस पर आपको मिलता है, कम्फर्टेबल होता है, सिक्योर होता है। तो मैं लास्ट 2 ईयर से मैं ऑनलाइन ही बुक कर रही हूँ, तो इनकी सारी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं। तो देखते हैं, अभी उसका सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कल है बर्थडे तो बर्थडे का ब्लॉग भी शेयर करूँगी। अभी घर की बस क्लीनिंग हुई है और कुछ नहीं हुआ, अभी घर ऐसे नॉर्मल है, आंटी आके क्लीनिंग वगैरह करके चली गई हैं। और ये हमारी फैमिली के नए मेंबर हैं जो आ चुके हैं परमानेंट हमारे घर में रहने के लिए, बहुत टाइम से हस्बैंड मना कर रहे थे और मुझे लेना था, वो हंस भी रहे थे कि क्या बच्चों जैसी हरकत कोई देखेगा तो हंसेगा कि टैडी कौन लेता है। तो मुझे काफ़ी टाइम से लेना था, मुझे कुछ भी, ये तो बहुत छोटी चीज़ है बट छोटी बड़ी कोई भी चीज़ अगर मेरे दिमाग में आ जाती तो वो मुझे लेनी है तो लेनी है, और ये आपको बिलीव नहीं होगा 2 सालों से मैं लेना चाह रही थी और हस्बैंड मना कर रहे थे कि स्पेस बहुत लगेगा, स्पेस लगता है, स्पेस एक आदमी के बैठने जितना स्पेस तो इसको खुद लगेगा, बट मैंने ले लिया जिद करके इस बार। अभी बेड शीट वगैरह डालनी है, ऐसे ही पड़ा है, मैंने वॉश करने के लिए डाला था। अभी इनका नामकरण करना है तो मैं सोचूंगी अभी क्या नाम रखूँ मैं इनका। और हस्बैंड लेके आए प्लांट्स, ये है सूरज मेरी, जो ऐसी इसको यहाँ से हटाना क्योंकि इसमें भी स्पेस लगता, तो इसको मैं ले जाऊँगी बालकनी में। और यहाँ मैं काम करती हूँ क्योंकि अभी स्पेस का थोड़ा सा इशू है, ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, बस रैंडम हम लोग जैसे ही शिफ्ट हुए थे उसके बाद ही हम लोग घर गए, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, फिर 3-4 महीने बाद आना हुआ, तो जैसे ही नॉर्मल ही रह गया, कुछ ऐड नहीं किया। और ये हमें ये दीवान हटाना है यहाँ से, सोफ़ा का स्पेस है, उसके बाद हम यहाँ सोफ़ा रखे हैं। एक मिनट, तो अभी आ चुकी हैं हमारी ब्यूटीशियन नैन्सी। हाय नैन्सी। तो
अभी ये वर्क स्टेशन समझ लीजिए या कुछ भी, क्योंकि स्पेस नहीं है अभी प्रॉपर। जब तक ये रिमूव नहीं होगा दीवान, तब तक हम लोग डाइनिंग टेबल या कुछ सोफ़ा वगैरह नहीं ला सकते। तो यहाँ मुझे कुछ काम करना होता है या हस्बैंड को भी, तो हम लोग यहाँ बैठ के काम कर लेते हैं। इसको भी रिमूव करना है। जब तक घर ऑर्गेनाइज नहीं होता तब तक लगता नहीं कि स्पेस है। तो अभी मेरा घर बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। ये सैनिटाइज़र और प्लांट, ये भी अभी कल ही लेके आए थे प्लांट, तो ऐसी इस बॉटल में इसको प्लांटर में रखना है। ये मेरा छोटू सा सैनिटाइज़र और ये प्लांट भी ले आए। प्लांट की वजह से घर में एक अलग सी जान आ जाती है। पहले मुझे नहीं लगता था कि प्लांट्स लाना चाहिए, स्पेस लगेगा। जब भी हम बात करते थे टेडी लाने का और इस प्लांट का, तो मैं कंपैरिजन करती थी कि प्लांट्स भी स्पेस लेंगे और टेडी भी। तो बट जब घर में आ गया तब लग रहा कि हाँ, घर में एक अलग सी जान आ जाती है प्लांट्स की वजह से। आर्टिफिशियल मैं सोच रही थी कि उसमें वाटर वगैरह कुछ नहीं डालना पड़ेगा, वो बेटर रहेगा। बट जो लाइव प्लांट का जो लुक होता है, जो मज़ा आता है उसमें, वो आर्टिफिशियल में नहीं आता है। आप देख सकते हैं अच्छा सा लुक। इसमें लाइटिंग वगैरह आप लगा सकते हैं। और आज मैंने किचन में कुकिंग भी नहीं की। हस्बैंड ने बनाई थी बिरयानी, जो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। हस्बैंड लेके गए, मैंने अपनी टिफिन पैक कर ली है। 2 दिन से थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है बिकॉज मेरा बर्थडे है। आप देख सकते हैं, मीशो से मैंने ये स्टैंड मंगाया था। और मीशो का हॉल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट कुछ कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ आज आने वाली हैं। तो स्टैंड जितना दिख रहा था उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा छोटा आया है। और ये पेंटिंग मैंने मंगाई थी, ये भी मैं कल लगा दूंगी वॉल पे, तब थोड़ा सा लुक पता चलेगा। ये भी थोड़ी सी छोटी है, बट प्राइस बहुत चीप है उसके कंपैरिजन में। अच्छा है, वर्थ है। तो ये है इनका सेटअप। बहुत अच्छे तरीके से, आपका सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है, ये लगता है कि पार्लर में जाना नहीं पड़ता। दूसरा ये कि आपके घर को बिल्कुल भी गंदा नहीं होना है। पूरा अपना सेटअप लगाते हैं, उसके बाद प्रॉपर क्लीन करके तभी जाते हैं। और कुछ भी आपको इनको कुछ भी नहीं देना होता है। और मैंने फेसियल का बुक किया था, तो मैंने एडवांस में बोल दिया था कि आप 2-3 ऑप्शन लेके आइएगा। तो अभी मैं शायद यही करवाने वाली हूँ, या देखती हूँ, उनसे सजेशन लूँगी। अगर कुछ और बेटर होगा तो वो मैं ले लूँगी। इसके अलावा मैं वैक्स वैक्स निकाल दीजिए मेरे पास से। मैं आप ले, मेरे को दे दीजिए। हाँ, दे। और आप देख सकते हैं इन्होंने ग्लव्स, मास्क और कैप वगैरह पहना है। और एक सैनिटरी किट होती है जो कस्टमर को ये देते हैं। तो हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, सॉक्स और शू कवर। आप देखिए, बहुत ही कमाल की सर्विसेज लगती है मुझे। और प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही कमाल की लगती है, बिकॉज़ जो प्राइस में ये देते हैं, ये शायद आपको कहीं भी नहीं मिल सकता इस प्राइस में। और रेस्ट प्रोडक्ट जो होता वो हैंड ओवर हो जाता, तो नेक्स्ट टाइम में आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट और है। यही वजह है शायद कि मैं लास्ट 2 ईयर से इनके साथ ही सर्विसेज ले रही हूँ। और अगर आप चाहें तो सेम गर्ल्स, जो भी सेम ब्यूटीशियन को आप रिपीट बुला सकते हैं, जिनकी सर्विसेज आपको अच्छी लगें। और अच्छी ना लगे तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कमेंट या रिव्यू कर सकते हैं। तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता कि आप नहीं 5 स्टार ही दो, जैसे सारे एप्लीकेशंस का होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उनको 5 स्टार अगर आपको देना है, मतलब 5 स्टार उनको चाहिए होता है, उसके बदले में आपको कुछ ऑफ़र कर देते। बट यहाँ ऐसा नहीं है। आपको ऑनेस्टली जो भी, आप देखिए ये प्रॉपर सैनिटाइज भी कर रहे हैं। और ये न्यू सीट है, ये भी वॉशेबल है और ये डिस्पोजेबल है। तो ये सारी चीज़ें डिस्पोजेबल है। इस तरीके से इनका सेटअप होता है प्रॉपर। इस तरीके के एक बैग में ये इनका, जो इनको कंपनी से ही मिलता है, प्रॉपर बैग में ऑर्गेनाइज करके ले आते हैं।
फाइनली अभी मैंने थ्रेड वर्क वगैरह ले लिया है और वैक्सिंग ले ली है। अब मैं कराने वाली हूँ फेसियल। तो फेसियल में टोटल 7 स्टेप होते हैं जो मैं ले रही हूँ। अभी मैं उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम ले रही हूँ और देखते हैं इसका इफ़ेक्ट कैसा होता है। होपफुली अच्छा हो क्योंकि मुझे टैनिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आप देख सकते हैं। जब भी मैं सर्विसेज लेती हूँ और जाने के बाद हस्बैंड पूछते हैं क्या कराया, क्योंकि नॉर्मल फेसियल जो भी VLCC वगैरह का लेती हूँ बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता मेरी स्किन पे, क्योंकि टैंड होती है स्किन। तो उनको लगता है क्या करा है, इतने पैसे लगाए, इतनी घिसाई करवाई, कुछ इफेक्ट दिख नहीं रहा है, बस वैक्सिंग दिखती है, क्लियर दिखती है। और वैक्सिंग कराने के बाद काफ़ी रिलैक्स हो रहा है क्योंकि ऐसा बर्डन सा लगने लगता है। मंथ में एक बार ही लेती हूँ बट आफ्टर 15 डेज बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी मैं ले चुकी हूँ, अभी मैं लूँगी फेसियल। तो चलिए, उनका सेटअप रेडी हो गया, जो भी एक्स्ट्रा होता है सामान उनका वो रिमूव करते हैं, उसके बाद दोबारा से सेटअप लगाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस जो था, मैं पार्लर जाती थी, वो प्राइस में तो डिडक्शन कर देते थे, आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर देते, तो बहुत अच्छा लगता था कि प्राइस मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा निगोशिएट कर दिया है। बट प्रोडक्ट इतना कम यूज़ करते थे, इतना कम, बिल्कुल एक पॉइंट भर प्रोडक्ट लेके फिर पानी का यूज़ करके उसी से फेसियल करते थे, तो लगता था फेसियल का कोई इफेक्ट नहीं। जब प्रोडक्ट आप यूज़ नहीं करेंगे तो फेसियल क्या दिखेगा, पानी का फेसियल थोड़ी होता है। तो इसमें इतनी क्वांटिटी होती है कि आपकी फेस में पूरा जो भी प्रोडक्ट है, फेस या वैक्सिंग या स्पा वगैरह, वन टाइम के लिए परफेक्ट होता है। कभी कभी बच भी जाता तो वो प्रोडक्ट आपको हैंड ओवर कर देते हैं, और पार्लर में ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन में जो भी प्रोडक्ट, बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट आपको हैंडओवर भी नहीं करते, प्लस प्राइस के लिए आप जो प्राइस इनको नॉर्मली मिल जाता, आपको रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता, बार्गेन नहीं करना पड़ता, उससे ज़्यादा प्राइस वो लेते हैं रिक्वेस्ट करने के बाद। तो आई थिंक ये बेस्ट आइडिया है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग और अपनी मनचाही जो भी ब्यूटिशियन है उनको आप बुला सकते हैं। तो चलिए फटाफट से फेसियल करा लेते हैं। टाइम आप देख सकते हैं, बहुत लेट हो गया, मुझे ऑफिस भी जाना है।
फाइनली अभी ब्यूटीशियन जा चुकी हैं और काफ़ी टाइम लग गया। मैंने सोचा पूरा फेसियल का मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी, बट बहुत टाइम लग गया। 12:30 से स्टार्ट किया था और अभी 1:30 हो रहा है, तो एक घंटे से ज़्यादा हो गया अप्रॉक्स। मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं देखा था, बट एक डेढ़ घंटे अप्रॉक्स लग गया। और 7 स्टेप था, बहुत टाइम लगता, बार बार क्लिप ऑन करना पड़ता था। तो मैंने सोचा उसको एक दो स्टेप लेने के बाद मैं बाद में उसका डिटेल रिव्यू करूँगी, बट आप देख सकते हैं फेस पे काफ़ी अच्छा ग्लो है और सिंगल यूज़ में इतना है। तो अगर मैं, मुझे लगता है कि एक दो सेटिंग तीन सेटिंग लूँगी सेम फेसियल, तो ये फोरहेड की टैनिंग जो है अच्छे से रिमूव हो जाएगी। काफ़ी अच्छा लग रहा, बहुत रिलैक्सिंग था। और अभी मुझे हेयर वॉश वगैरह भी करना है, बट आज लेट हो रहा तो मैं फटाफट से बात लेती हूँ और उसके बाद ऑफिस निकलती हूँ। ऑफिस का टाइम तो निकल चुका है, बट कुछ काम पेंडिंग है जो मुझे करना है और जाना है। कल है बर्थडे, तो कल शायद ना जाऊँ ऑफिस, या जाऊँगी तो हाफ डे के लिए। आज भी हाफ डे ही लग गया है, तो वैसे मैं बंक करती नहीं हूँ, तो इसलिए इतना चल जाएगा। तो अभी फटाफट से बात लेती हूँ, बात लेने के बाद निकलती हूँ। तो अभी फटाफट से निकलते, बहुत लेट हो चुका, ऑफिस का टाइम ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, 2 बजने वाले हैं और बहुत लेट हो गया, बट थोड़ा बहुत काम है वो हो जाएगा। और कल भी शायद ऑफ हो, तो 2-3 दिन का एक साथ ऑफ हो जाएगा, तो काम भी बहुत सारा बचा रहता है। और इतने दिन घर पे बैठ के बोर हो जाऊँ, क्योंकि कल कहीं जाने का हमारा प्लान नहीं है, हम लोग घर पे ही पार्टी करने वाले हैं। तो अभी फटाफट से निकलते हैं और इस टाइम जल्दी रेडी इसलिए भी हो जाते हैं। अभी आज तो बहुत चिपकू चिपकू लग रहा, क्योंकि फेसियल पूरा बालों में मेरे लगा हुआ है, हेयर वॉश नहीं किया, टाइम नहीं था। इवनिंग में आने के बाद सब कुछ देखेंगे, क्या करना क्या नहीं करना है। हो सकता है कल ना जाएं, और बहुत ही फेसियल के बाद भी थोड़ी सी चिपकू चिपकू गंदी सी शक्ल लग रही, बट फेसियल काफ़ी अच्छा लगा मुझे और ये टैनिंग वगैरह काफ़ी रिमूव हुई, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगा मुझे। इसका सेपरेटली मैं, सेम टाइम पे जब भी आप फेसियल लेते हैं, इमीडिएट कुछ मैजिक नहीं होता, बट थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखता है, पूरा फेस क्लीन अप हो जाता है। बट एग्जैक्ट आप वो नेक्स्ट डे दे सकते हैं, और एक दो लोग बोलने लगते हैं कि हाँ अच्छा इफेक्ट है, तब लगता है हाँ वर्थ है, जो भी मैंने पैसे लगाए वो वर्थ है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं, अगर स्पेशली मेरी सिस्टर अगर बोलती है कि अच्छा हुआ, तो कुछ भी अगर वो बोल देती है कि ये चीज़ सही है, तो मुझे, मेरे माइंड में क्लियर हो जाता है हाँ ठीक है कर लो ये चीज़। या कोई चीज़ परचेज करनी होती है, मैं अपनी सिस्टर से बोलती हूँ, पूछती हूँ, वो ओके कर देती, मेरे लिए अप्रूवल मिल जाता है। तो अभी देखती हूँ सिस्टर से क्या अप्रूवल मिलता है। तो लेट हो रही हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।